बात टॉप फाइव एजेंडे की करते हैं और आज का पहला एजेंडा कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी से जुड़ा हुआ है। आज महासचिव बनने के बाद वो पहली बार लखनऊ पहुंच रही हैं, जहां पर उनका रोड शो है। आज का दूसरा एजेंडा मोदी के मिशन 2019 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं, यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। तीसरा एजेंडा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का है, जिन्हें राम मंदिर निर्माण की कोशिशें तो नागवार गुजर रही हैं, लेकिन इमरान के घड़ियाली आंसू से उनका दिल जरूर पसीज गया है। चौथा एजेंडा आज का राजस्थान में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसने आज यहां पर रेलवे ट्रैक को ही बंधक बनाकर रख दिया है। पांचवा एजेंडा यूपी में जहरीली शराब पर चल रही सियासत से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। तो विस्तार से आपको एक एक कर ये तमाम खबरें दिखाते हैं और बात हम करेंगे कांग्रेस महासचिव की, जो पद संभालने के बाद प्रियंका वाड्रा आज पहली बार यूपी के दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां महासचिव के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं। लखनऊ में आज प्रियंका रोड शो करेंगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ होंगे। प्रियंका का लखनऊ में आज होने वाला रोड शो कई घंटों का है। रोड शो के अलावा प्रियंका वाड्रा यहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी के स्वागत में पूरी तरीके से यूपी को और लखनऊ को सजाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बैनर पोस्टरों से पूरी तरीके से पटा पड़ा है आज लखनऊ। सुबह से ही बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। लगभग चार दिनों तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगी, यहां से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है और एक कांग्रेस के लिए नई राजनीति का विगुल बजाने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी भी उनके साथ में रहेंगे, तो बड़ी राजनीति देखी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों एक साथ यहाँ पे मेगा रोड शो करने के लिए जा रहे हैं। लखनऊ पूरी तरीके से उनके स्वागत के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जाएंगे, जहां वो अक्षय पात्र फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से गरीब स्कूली बच्चों को 300 करोड़ वी थाली परोसेंगे। इस दौरान वो बच्चों को भोजन कराएंगे। इसके बाद पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी इस्कॉन के आचार्य स्वामी प्रभुपाद को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्य के सीएम योगी भी साथ रहेंगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्लान खालिस्तान रच रहा है, तो महबूबा मुफ्ती को इमरान खान के अंदर शांति का दूत नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तारीफ के बहाने महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता इस वक्त शहरों के नाम बदलना और राम मंदिर के अलावा दूसरी कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान में गुरु नानक के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी खोले जाने और एक फॉरेस्ट रिजर्व का नाम सिखों के पहले गुरु के नाम पर रखने के लिए इमरान खान की तारीफ की। आरक्षण को लेकर गुर्जरों का आंदोलन जारी है और आज दौसा के सिकंदरा में हाईवे को जाम करेंगे गुर्जर। अलवर, दिल्ली, भरतपुर और करौली जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। सीधे सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। समाज के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो अब ट्रैक पर ही बात करेंगे। गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक पर ही वार्ता के लिए एक मंच भी बना लिया है। रविवार को धौलपुर में आंदोलनकारियों ने 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। धौलपुर में धारा 144 लागू है। गुर्जर आंदोलन के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। 13 फरवरी तक 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, तो वहीं कई ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है। आज गुर्जरों की सरकार से दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। बात अब यूपी उत्तराखंड की, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 102 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के सहारनपुर में 56 और कुशीनगर में 11 लोग मारे जा चुके हैं। इस मामले में यूपी में अब तक 175 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। वहीं जांच के लिए एसटीएफ का गठन हुआ है। 8 टीमें बनाई गई हैं। छापेमारी लगातार हो रही है। जांच के लिए आपको बताएं कि एसआईटी का गठन हुआ है और 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया। एसआईटी में एडीजी रेलवे, गोरखपुर, सहारनपुर जोन के कमिश्नर और आईजी शामिल हैं। यूपी में अवैध शराब से हुई मौत पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने अवैध शराब के कारोबार के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार बताया है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने भी योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।